रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंडसंभूतं। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। उनके राज्यकाल में एक दिन ज्योतिषियों ने शनि को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी शकट भेदन भी कहा जाता है। शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला है तथा रोहिणी शकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी काल पड़ता है। ज्योतिषों की यह बात जब राजा ने सुनी तथा इस बात से अपने प्रजा की व्याकुलता देखकर राजा दशरथ, वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मणों, इस समस्या का कोई समाधान शीघ्र ही मुझे बताइए। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकते हैं? इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। वशिष्ठ जी के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर कहा जाएगा। अतः राजा विचार करके साहस बटोर कर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 300,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में ले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्व से युक्त और ऊंची-ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का इच्छुक देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुषों कानों तक खींचकर विकृतियां तानकर शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव अस्त्रु के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे, हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वर मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी संसार में हैं तब तक आप रोहिणी शकट भेदन कदापि न करें। मैं केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा वर मांगने पर शनि ने एवं वस्तु कहकर वर दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने को धन्य समझने लगे। शनिदेव बोले, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम और भी वर मांग लो। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर शनिदेव से दूसरा वर मांगे। शनिदेव कहने लगे, हे दशरथ, तुम निर्भय रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वर पाकर राजा प्रसन्न होकर धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणपति का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति इस प्रकार करने लगे। दशरथ शनि स्रोत के माध्यम से प्रार्थना की, जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार। इस जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है, जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को नमस्कार है, जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को नमस्कार है, जिनके शरीर दिग्र हैं, जिनके रुए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ी काले रूप है, उन शनिदेव को बार बार नमस्कार है। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप सवर्तक हैं, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः नमस्कार है।
आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सर्वदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, काश्यपनन सूर्यपुत्र शनिदेव आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य देते हैं, आप रुष्ट होने पर उसे तक्षण छीड़ लेते हैं, वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और नाग ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शनिदेव को प्रणाम। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं भी अत्यंत संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें, बस यही मेरा प्रिय वर है। शनिदेव ने कहा, हे राजन, वैसे इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता, परंतु संतुष्ट होने के कारण रघुनंदन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए स्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्यमान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि के कारण कोई बाधा नहीं होगी। जिनकी महादशा या अंतरदशा में गोचर में अथवा